हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में आपके लिए जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए सारे प्रश्नों को धुआं धुआं करते हैं। तो चलिए आपके सामने पहला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, साहित्य। याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, जो भी भाई चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप की खोज किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताइए। तो सांची स्तूप की खोज जो हुआ था वो आपका 1818 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप कोई भाई है जो कि बिहार फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए या वीडियो चाहिए, प्लेलिस्ट चाहिए, वीडियो का प्लेलिस्ट चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट का वीडियो का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अगर उन सारे वीडियो का पीडीएफ भी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा आंसर सहित। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, पके केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा मैलिक अम्ल। याद रखिएगा, पके केले में आपका मैलिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उजला सोना किसे कहा जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होना है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कपास। याद रखिएगा, सॉरी, ऑप्शन सी हो जाएगा, कपास। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कब रखी गई। देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से। आपके सामने चार ऑप्शन है, ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से टिक कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1913 को लॉक किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। इस प्रश्न को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। तो याद रखिएगा, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रस्तावना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विवेकानंद। ऑप्शन ए, विवेकानंद को लॉक किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न आपके सामने है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है। जल्दी से बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे दोस्तों, याद रखिएगा। तो सही जवाब इसका है वो हो जाएगा आपका गोल्फ। याद रखिएगा, गोल्फ में आपका प्रिंस ऑफ वेल्स कप खेल दिया जाता है, गोल्फ में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आपका हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, वो ऑप्शन ए, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके सेशन का ये लास्ट प्रश्न है, काला शीशा किसे कहा जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। तो काला शीशा आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। कौन हो जाएगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को लॉक किया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।